अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी से और बहुत ही जल्द बन के ये रेडी होता है, जो कि है ये मेहंदी का तेल है, ये जो नाखूनों को भी लगाया जाता है या हाथ में भी लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स गुड़ है, ये जैगरी जिसे कहते हैं, गुड़ है ये, इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। अभी मैं इसको इसमें इस तरह से फैला दूंगी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छा बन के ये रेडी होता है। तो आप सब भी इस तरह से बनाएं, अपने नेल्स पे लगा सकते हैं या हाथ पे लगा सकते हैं। बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। तो ये देखिए, मैं इसको सारा इवनली अच्छे से मैं फैला लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से पूरा कोने कोने से पूरा अच्छे से इवनली इसको फैला लिया है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास चाय पत्ती है, जो कि ये बिल्कुल 30 ग्राम्स है। मैं इसको इसके ऊपर से हल्का सा इस तरह से डालूंगी, बिना मेहंदी के भी मेहंदी लगा सकते हैं आप। बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही अच्छी ये बनती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पत्ती को अच्छे से इसके ऊपर पूरा डाल दिया है इस तरह से। अगर आप इसमें पत्ती ना डालना चाहें तो इसमें कॉफ़ी का पाउडर या मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो इससे अपने हाथ को भी कोई नुकसान नहीं होता और कलर भी बहुत डार्क और बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने इस तरह से एक छोटा सा ईंट का ये डल्ला है, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ। अगर आपके पास कोई छोटा सा स्टैंड हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं इस तरह से ये कटोरे को इस तरह सेट कर दूंगी, और आपको कटोरा बिल्कुल खुले ऐसे खुले मुंह वाला लेना है और थोड़ा सा ऊंचा भी लेना है, ताकि जब ये बॉईल हो तो उसके अंदर, कटोरे के अंदर ना आए। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अभी मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी बिल्कुल हाई फ्लेम पे। तो मैंने एक दूसरे बर्तन में पानी लिया है, जो कि उसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी मैं, जो मैंने जिस बर्तन में गुड़ और पत्ती को रखा है उसके ऊपर ये बिल्कुल, इसमें से कुछ वेपर्स नहीं निकलना, इसका जो धुआं है वो नहीं निकलना, बराबर इसके इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से रख दूंगी मैं पानी भर के। अभी मैं चूल्हा ऑन कर दी। तो चलिए जी, ये जैसा जैसा पानी गर्म होगा हमारा बहुत ही अच्छा मेहंदी का कलर आ जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से पानी इस तरह से गर्म होता है, जैसे जैसे पानी गर्म हो हमारा नीचे जो है मेहंदी का तेल निकलते रहता है। तो अभी मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है, चूल्हे को कर दिया है बंद, और पानी का एवोपरेट होना भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी हम इसको आहिस्ता से हटा देंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि मैंने जिस भगोने पे ये बर्तन रखा है पानी भर के, वो उसके बराबर में नहीं आया। यहाँ पे हल्की सी सांदें छूटी हुई थी, उसमें से जो अंदर मैंने गुड़ और पत्ती को जो रखा है उसका जो धुआं है होता, वो साइडों से थोड़ा सा निकल गया है बाहर। तो हो सकता थोड़ा सा हमारा मेहंदी का जो तेल है, हम जितनी क्वान्टिटी हम चाह रहे थे उससे थोड़ी कम निकले। तो चलिए जी, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम ये पूरा हमारा ये मेहंदी का तेल बन के रेडी है। तो जो गलती मैं की हूँ वो गलती आप लोग मत करिए, कि मैंने इसके ऊपर जो ढक्कन ढापा था, जो कढ़ाई रखी थी पानी भर के,
वो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ऐसी यहाँ से सांद जो रहती, थोड़ा सा स्पेस रहने से सारा धुआं इसमें से निकल गया और हमारा जो तेल की क्वांटिटी है वो कम हो गई, वरना ये इतना तो हाफ कटोरा तो इसमें आता था। ये है यहाँ तक हाफ कटोरा जो है वहाँ तक आता था, तो अभी इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि जो प्रॉपर नहीं बैठा था वो थोड़ी सी हल्की सी इसमें सांद थी, तो सारा उसमें से धुआं जो है निकल गया। तो आप लोग वैसा मत करिए, जो ढक्कन इस पर जो प्रॉपर बैठता है, जो बिल्कुल इसमें से एवोपरेट बाहर नहीं निकलती, वो इसके ऊपर रखिए और ऐसा रहना चाहिए पीछे से उसको, थोड़ा सा जो बॉटम उसका होता गोल ही होना चाहिए क्योंकि जो ये ऑयल रहता वो इसमें टपक सके गिर सके। तो अभी हम इसको इसमें से निकालेंगे, ये सारा जल गया है ये देखिए। अब भी हम इसको बहुत ही आराम से इसको निकाल लेंगे ताकि ये क्या है पूरा चिपक गया है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है, तो हम इसको बहुत ही एहतियात से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा तेल हमने अलग कर लिया है यहाँ पे, अच्छे से निकल गया है हमारा तेल ये। तो यहाँ पे मैंने सारा तेल निकाल लिया है, तो ये देखिए छोटी सी मेरी गलती से मेरा तेल थोड़ा सा कम निकला है, वरना ये इसका जो है 1/4 पार्ट इतना निकलता था। तो इसका जो ढक्कन मैंने जो ऊपर जो ढाका था, कढ़ाई जो रखी थी मैं, उसमें से थोड़ा सा सांद होने से, खैर कोई नहीं, चलिए ये तो आ तो गया है। और मैंने अपना एक बर्तन, दो बर्तन मेरे ख़राब भी की हूँ मैं, ऑलरेडी मेरा भगोना तो ख़राब था क्योंकि मैं उसी में ये तेल जो मेहंदी का तेल है वो निकालती हूँ, उसी के लिए मैंने उसको बना के रखा है। लेकिन आप लोग कोई बर्तन ख़राब ना करें घर पे, अगर आपके पास कोई पुराना मिट्टी का बर्तन हो जो कि यूज़ में ना हो, जो कि आप लोग उसमें नहीं पकवान करते, तो उसमें निकाल सकते हैं आप लोग, मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छा निकलता है ये। तो एक कटोरा, या आपके पास कोई पेंट का जो डब्बा होता है, या कुछ बाहर से जैसा रसगुल्ले गुलाब जामुन के जो बॉक्सेस आते हैं, अगर वो भी आपके पास स्टील के डब्बे हों तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई आपके पास स्टील का ख़राब बर्तन हो तो वो भी रख के आप निकाल सकते हैं। तो अपने अपने घर के बर्तन ख़राब तो मत करिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी जो भगोना था वो ख़राब हो चुका था, तो उसी में मैं ये ऑयल निकालती थी। तो इससे पहले मैं मिट्टी के बर्तन में निकालती थी, उसके बाद मेरा वो भगोना ख़राब होने की सूरत में मैं उसमें निकालना स्टार्ट करी थी। तो अभी उसको भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी, वो सारा साफ़ हो जाएगा। मैं वो वॉश करी सुबह मैं आप सबसे शेयर करूँगी किस तरह वॉश की मैं उसको। तो चलिए जी, इसको हम अभी इसमें, अगर आप चाहें तो मेहंदी ही मिला सकते हैं, जो मेहंदी का पाउडर आता है वो मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें मैदा मिलाकर बताऊँगी आप सबको। तो अभी हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। आप इसको शक्कर और पत्ती मिक्स करके भी निकाल सकते हैं ये तेल को, शक्कर में कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, गुड़ में आप कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके भी निकाल सकते हैं, और गुड़ में मैदा मिक्स करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें अभी मैदा मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करते हुए आप सबको बताऊँगी। ये देखिए अभी मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। हमें बिल्कुल मेहंदी की तरह गाढ़ा, जिस तरह कोन में आता है उस तरह का बैटर हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स किया है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। तो अभी इसमें और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और डालेंगे, इसमें हम मैदा और शामिल कर लेंगे, और 2 टीस्पून ये, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे फिर ऐड किया है। फिर इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप अच्छे से फ्रिज में इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल 1 मंथ के लिए भी रख सकते हैं आप, बिल्कुल ख़राब नहीं होता ये। लेकिन
मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सबको कि 1-2 वीक्स में ही इसको बनाकर अगर लगा लें तो इसका कलर बहुत बेटर रहेगा, वरना थोड़ा सा फीका भी हो सकता है। अभी कभी हमने ऐसा तो 1 मंथ के लिए स्टोर नहीं किया है, लेकिन आप इसको 1 मंथ के लिए भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी की रखना है। अगर आप चाहें तो इसमें और एक चम्मच भी आटा मैदा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रख रही हूँ। तो अभी मैं आप सबको इसको लगा कर भी बताऊंगी कि इसका कलर कितना अच्छा आता है। इसको कोन बना के आप रख सकते हैं या इसको ऐसे ही इस तरह ही स्टोर किसी ढक्कन वाले में, ढक्कन की जो शीशी होती है उसमें भी आप इसको स्टोर करके टाइट लगा कर रख सकते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये कलर एक बार में नहीं आता, ऐसे तो फिंगर पे आ जाएगा, लेकिन नाखून पे जो है, एक बार में अगर कलर ना आए तो आप इसको दोबारा से लगा लें तो गहरा हो जाएगा। ये इस तरह से मैं आपको लगाकर बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया है। इसका कोन मैं नहीं बनाई अभी, मैं आप लोगों को बताने के लिए इसको इस तरह यूज की हूँ, इसी तरह से लगाई हूँ मैं। तो हमें इसको सूखने देना है, अच्छे से ये सूख जाए तब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। आपको नेल पॉलिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही आपके नाखूनों का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और अगर आप हाथ पे भी लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। मैं बस आप सबको बताने के लिए ये लगा रही हूँ। इसके कोन्स बनाएंगे, और ये जो अभी जो आपको पतला लग रहा है ये, इसको हम सेट होने देंगे। हाफ एन आवर में ये अच्छे से गाढ़ा बैटर हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से सारा हम लगा सकते हैं, या नेल्स पे लगाएं तो आपको नेल्स पे लगाने की, आपको नेल पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेहंदी जैसा लगाना चाहें तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, तो हम इसका सूखने का वेट करते हैं। जैसे ये सूखता है तो आपसे फिर शेयर करेंगे इसका कलर कितना आया है। तो ये देखिए जी, हमारा मेहंदी का जो तेल है उसका कलर कितना प्यारा आया है। ये स्पेशली बनाई जाती है नेल्स के लिए, तो एक बार में अगर कलर ज़्यादा ना आए नेल्स पे तो आप इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर ही फिर से लगा सकते हैं, बहुत प्यारा कलर आएगा। ये मुझे वीडियो एंड करनी थी तो इसीलिए मैंने इसको जल्दी निकाल दिया है। आप इसको अच्छा सूखने तक, ये अपने से खुद से ना निकले तब तक नहीं निकालना है, बिल्कुल अच्छा सुखाना है इसको। मैं ये फिंगर्स पे अप्लाई नहीं की थी, ये एक फिंगर पे अप्लाई की थी मैंने। तो मेरी एक छोटी लड़की ने, मेरी छोटी बेटी ने ये तमाम सारी उंगलियों पे लगा दिया है। अगर आपको नेल्स के लिए, स्पेशली नेल्स के लिए लगाना है तो आप मैदा मिलाएं, मिक्स करें, और मैदा भी मैं जितना ऐड की हूँ, कल 12 स्पून्स ऐड की हूँ, वो स्पून से, छोटे स्पून से। वो आप 50 ml में, आप ml का उसका क्वांटिटी देखें, 50 ml में वो 100 ग्राम्स मैदा ऐड करके सिर्फ नेल्स के लिए कर सकते हैं। और अगर ऐसा फिंगर्स पे लगाना हो तो उसमें 2-3 टी स्पून्स आप उसमें गुलाब का पानी जो है, रोज़ वाटर ऐड करके इस तरह भी लगा सकते हैं। और आप सूखी मेहंदी का पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स करके आप हाथ पे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए, अभी मैं ये फिंगर जो है उस पर अभी मैं निकाली भी नहीं हूँ इस पर से, ये फिंगर से मैं इन तमाम फिंगर्स पे लगाई थी नेल्स पे। ये देखिए, ये मेरी छोटी बेटी ने इस तरह से लगा के, तो आप सूखी मेहंदी का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। सूखी मेहंदी का पाउडर आपको 300 ग्राम, 50 ml अगर आपके पास मेहंदी का तेल निकला है, जो मैंने जो गुड़ और पत्ती से जो बनाया है उसका जो वाटर निकला है
वो तेल आपके पास अगर जितना क्वांटिटी है वो हिसाब से आप मेहंदी का पाउडर भी इसमें मिक्स करें और उसी में गुलाब का जो रोज़ वाटर है वो मिक्स करें और अपने हाथ पे अच्छे से डिज़ाइनिंग करें, कोन बनाकर या ऐसे ही अप्लाई करें। बहुत ही प्यारा कलर आता है, बहुत ही डार्क ही है, अपना स्टेन डार्क स्टेन्स रखती है और जाते तब ये जब निकलते रहती हाथ पे से 3-4 डेज़ अगर आपके हाथ पे लग गई है और 5th डे से ये थोड़ा सा खुरदुरा खुरदुरा महसूस होगा तो उस पर आप विक्स या वैसलीन अप्लाई करें, उससे आपको इजीली रिमूव होते रहेगी ये। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप सब ये मेहंदी का तेल बना के एंजॉय करिए। मैंने हाथ धोया नहीं है आपको बताने के लिए, सिर्फ इसको छुड़ाया है हाथ से, ये इस तरह से मैंने निकाल लिया है। बिल्कुल अच्छे से सूखना चाहिए ये, तो आप सब भी इसी तरह बना कर इंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।